सबसे पहले मैं आपको केक कट करके दिखा रहा हूँ कि कितना सॉफ्ट केक हमारा बना है। ये है हमारा एगलेस बटर स्कॉच केक, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है। इसका बेस बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बटर स्कॉच केक। सबसे पहले मैंने बाउल लिया है और इसमें मैं डाल रहा हूँ दही। हाफ कप दही है, आधा कप मेजरिंग कप होता है ना, उससे आधा कप दही डाल दिया है मैंने। हाफ कप ही मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसकी जगह मेल्टेड बटर भी लिया जा सकता है, सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी। और ये मैंने पाउडर शुगर डाल दी है एक कप। एक कप से डेढ़ कप तक आप डाल सकते हो पाउडर शुगर। और ये मैंने छान लिया है। छानने के बाद तीनों को एक साथ विस्कर से विस्क करेंगे हम, ऑयल पाउडर शुगर और दही। इसी के साथ ही ये मेरे पास मैदा है, दो कप मैदा है जो कि छान के ली हुई है पहले मैंने। दो कप, एक कप में 120 ग्राम आती है, मेजरिंग कप होता है ना 250 ml का, वो एक कप है, वो मैंने दो कप डाले हैं भरकर। और ये मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है 2 टेबल स्पून, साथ में बेकिंग पाउडर है 2 टीस्पून, 2 छोटा चम्मच, और ये 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है, इसे कुकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। सबको एक साथ विस्कर से विस्क कर लेंगे, आवश्यकता के अनुसार इसमें मिल्क डालेंगे। अभी मैंने एक कप मिल्क लिया है 250 ml, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बना के हम तैयार कर लेंगे केक के लिए। और जो बैटर बन जाएगा ना, फिर उसको हम केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे और बेक करेंगे अवन में। आप चाहो तो गैस पर या कुकर में या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो, नमक डाल के या विदाउट नमक भी। तो मैंने ये अच्छे से विस्क कर लिया है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। यहाँ मैंने 2 टीस्पून बटरस्कॉच एसेंस डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। ये मैंने 9 इंची का केक टिन लिया है, इसमें मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपना सारा बैटर। और यहाँ मैंने 2 कप मैदा सिर्फ तैयार किया है, आप चाहो तो 3 कप से भी कर सकते हो, ताकि स्पंज और फ्लफी बने और हाइट में ऊंचा बने। और ये 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले 20 मिनट के लिए लगाया है, फिर चेक करेंगे और फिर बेक करेंगे और मिनट के लिए। तो टोटल 30 मिनट लग गए मुझे बेक करने के लिए, 32 मिनट, 32 से 32 मिनट तक लग जाते हैं। टूथपिक डाल के हम चेक कर रहे हैं तो टूथपिक एकदम सूखी निकल रही है, इसका मतलब है हमारा जो स्पॉन्ज है वो तैयार हो गया है। एकदम सूखी टूथपिक निकली है, जगह जगह मैंने डाल के देखा था। अपने केक टिन को बाहर निकाल लेते हैं, अपने स्पंज को। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है, 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बेक किया था। और इसे ठंडा करेंगे, मतलब 1-2 मिनट तक ऐसे ही ठंडा कर लो, फिर इस पर आप हल्का गीला कपड़ा ढक के रख देना, ताकि इसकी जो ये सरफेस है ना वो सॉफ्ट बनी रहे, क्योंकि हवा लगने से एकदम ड्राई ड्राई हो जाती है। इसीलिए ढक के रख दिया है लगभग आधे घंटे के लिए। 30 मिनट बाद मिलते हैं। 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, मैं यहाँ पे क्रीम को व्हिप कर रहा हूँ। तो मैंने ये रिच ब्रांड की क्रीम ली है, और इसे नॉन डेरी क्रीम कहते हैं या फिर डेरी फ्री क्रीम भी कहते हैं, व्हिप टॉपिंग भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे एक कप भर के मैं ले रहा हूँ, एक कप जो 250 ml वाला कप है ना मेजरिंग कप, वो पूरा भर के ले रहा हूँ। और क्रीम को हम व्हिप कर लेंगे। पहले मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ पहली वीडियोज़ हैं केक की, केक और पेस्ट्री की, कैसे आपको क्रीम को व्हिप करना है, वो आप चेक कर सकते हो। अभी मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आप इसे मीडियम पे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेना तो क्रीम आपकी व्हिप हो जाएगी। क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, और जहाँ आप व्हिप कर रहे हैं वो एरिया ठंडा होना चाहिए, मतलब गर्मी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। क्रीम हमारी व्हिप हो गई है, जो पॉइंट है वो एकदम स्ट्रेट है, पीक पॉइंट। और इधर हमारा जो स्पंज है इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं, मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी लेयर कट करेंगे, और लेयर कट करने के बाद क्रीम वगैरह लगा के हम केक बनाएंगे। तो ये देखो कितने अच्छे से केक डीमोल्ड हो गया, और स्पंज हमारा तैयार है। इतने स्पंज से लगभग 900 ग्राम के आसपास हमारा केक बनेगा। आप 1 किलो का केक बनाना चाहते हैं तो 3 कप मैदा का यूज़ करना, बाकी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। तो 1 किलो से हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा निकल जाए केक आपका, आप वेट करके चेक कर लेना। इसकी ऊपर की लेयर मैं कट करके अलग कर रहा हूँ, ये होममेड केक है, ये प्रोफेशनल जो बेकरी वाले होते हैं वो केक नहीं है, वो प्रीमिक्स यूज़ करते हैं। यहाँ हमने बेस बनाया है दही मिल्क इन चीज़ों से, और इसकी लेयर हम कट कर रहे हैं। इसकी मैं 2 लेयर कट कर रहा हूँ, आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो, और
ये देखो, लेयर कट करने के लिए आप ब्रेड नाइफ का प्रयोग कीजिए, इजीली कट हो जाता है। ये देखो, एक लेयर कट कर दी, अब इसके भी हम एक और लेयर कट कर लेते हैं, तो टोटल 3 लेयर हो जाएंगी हमारे पास। और आप स्पंज प्रीमिक्स से भी बना सकते हो, पैकेट पैकेट वाले प्रीमिक्स आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल हैं, उनसे भी आप स्पंज बना सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारा स्पंज सबसे लास्ट वाली जो लेयर है वो हमने फ्लिप कर दी, और यहाँ पे हम लोग क्रीम लगाएंगे। तो पहले मैं ये जो साइड से एक्स्ट्रा है उसे हटा देता हूँ, ताकि हम अच्छे से क्रीम लगा पाएँ। इस पर पानी लगा देंगे, पानी की जगह आप शुगर सिरप भी लगा सकते हो, चीनी का पानी। और ब्रश से लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हमारा स्पंज है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बहुत ज़्यादा गला गला सा ना हो जाए, इसीलिए हल्का सा ही पानी लगा रहा हूँ। और ये क्रीम लगा दी है हमने, क्रीम लगाने के बाद एक क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। ज़्यादा क्रीम पसंद है ज़्यादा लगा लो, कम पसंद है कम लगा लो, आपके ऊपर है आप कितनी क्रीम लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम लगा रहा हूँ, ना ज़्यादा ना कम। एक लेयर लगा दी है क्रीम की, और बटरस्कॉच क्रश आता है वो आप यूज़ में ले सकते हो। मैं यहाँ पे बटरस्कॉच सॉस का यूज़ कर रहा हूँ, कैरेमल सॉस। बटरस्कॉच सॉस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, और घर पे भी बना सकते हैं इसे। इसकी जगह आप क्रश का भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर बटरस्कॉच अरोमा आता है वो आप ले सकते हो, इसकी जगह पे क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हो, और फिर बटरस्कॉच नगेट्स, बटरस्कॉच नट्स जो होते हैं उनका भी प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये मैंने एक लेयर लगा दी कैरेमल सॉस, बटरस्कॉच सॉस की। इस पे हम डाल रहे हैं ये बटरस्कॉच नगेट्स, बटरस्कॉच नट्स भी कहते हैं ना, ये हम डाल देते हैं और अपनी सेकेंड लेयर रख देते हैं। देख रहे हो कितनी सॉफ्ट लेयर है, टूटने लग गई जैसे ही मैंने इसको रखा है इसके ऊपर। अब वही स्टेप हमें रिपीट करना है, मतलब लेयर रख दी, लेयर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पानी लगाएंगे या फिर शुगर सिरप लगाएंगे, फिर हम इस पर क्रीम लगाएंगे, और फिर हम क्रश या फिर बटरस्कॉच सॉस लगाएंगे, और फिर वो नट्स, बटरस्कॉच नट्स लगाएंगे। पानी लगा रहा हूँ मैं, वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मुझे लगाने की, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है स्पंज, पर फिर भी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। साथ में क्रीम लगा दी है, क्रीम डाल दी है, और फिर हम इसे स्प्रेड करेंगे, क्रीम को पैलेट नाइफ से फैलाएंगे। और बेकिंग के जो टूल्स हैं वो आप ज़रूर रखिए, अगर आप ज़्यादा केक बनाते हैं, अगर कभी कभी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस ये मैंने बटरस्कॉच सॉस डाल दी है, और इसकी भी एक लेयर लगा देंगे हम। ये जो केक टर्न टेबल है, इससे काफ़ी इजी हो जाता है रोटेट करने में, केक को घुमाने में। ये आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली 4-5 कटोरी रखिए उल्टी करके, उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए और अपना केक रख लीजिए, और आराम से आप क्रीम लगा सकते हो। अब ये मैं अपनी फाइनल लेयर रख रहा हूँ इसके ऊपर। अभी मैंने बटरस्कॉच नगेट्स नहीं डाले हैं, मैं इस लेयर में डालना भूल गया, वैसे ज़रूरत नहीं है, डालना चाहो तो डाल सकते हो। वैसे नीचे हमने डाल ही दिए हैं फर्स्ट लेयर में, थोड़ा दबा रहा हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए एक साथ, और कहीं से एयर वगैरह ना रहे, मतलब जहाँ क्रीम है क्रीम से अच्छे से मिल जाए केक। और साइड से पहले हटा देते हैं जो भी स्पंज है, कपड़े से साफ़ कर लेंगे अपने एरिया को, क्योंकि हमें स्पंज का एक टुकड़ा भी नहीं चाहिए क्रीम के ऊपर। और ये वाइट क्रीम में मैं येलो फूड कलर डाल रहा हूँ, कुछ ड्रॉप डालूंगा, 3-4 ड्रॉप। नहीं डालते हो तो मत डालो, मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि वो बटरस्कॉच येलो आइसक्रीम होती है ना, उस जैसा कलर आ जाए। ये देखो कलर आ चुका है, क्रीम लगा रहा हूँ इसके ऊपर, और पानी लगा देते हैं। मैंने नहीं लगाया था लेकिन अब मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। साइड से लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार साइड की जो लेयर है वो ड्राई ड्राई रहती है, इसीलिए मेरी तो नहीं है पर मैं बता रहा हूँ आपको कि साइड से ड्राई ड्राई ज़्यादा होती है स्पंज। और क्रीम को फैला लेते हैं, क्रीम कम ही लगा रहा हूँ, ऊपर क्रीम कम ही लगा रहा हूँ, ज़्यादा क्रीम नहीं लगा रहा हूँ मैं, लगा सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और एक लेयर लगा देते हैं ऊपर क्रीम की, और सिंपल सी डिज़ाइन डालेंगे इसमें, साइड से भी क्रीम लगा रहा हूँ मैं, ऐसी सिंपल डिज़ाइन होगी जो आप आराम से बना पाएंगे, ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें। पहले मैं सोच रहा था सिंपल मतलब कुछ डिज़ाइन बनाने की, लेकिन फिर मैंने चेंज कर दिया, मैंने सिंपल रखा जिससे कि आप आराम से कर पाओ। इस तरीके से करेंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो पैलेट नाइफ पे आ जाए। और ये देखो, ऐसे कभी स्पंज देखे तो आप हल्की सी क्रीम और लगा सकते हो, बस फिनिशिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करनी है, बस पैलेट नाइफ को ऐसे पकड़िए और अपनी केक टर्न टेबल को ऐसे रोटेट कीजिए, ऊपर से एक जैसा कर देते हैं।
एक्स्ट्रा क्रीम को बिल्कुल हटा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा दिखे आपको क्रीम। और गर्मी में आप केक बना रहे हैं तो ध्यान रखो जो आपका एरिया है वो ठंडा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, फैन वगैरह नहीं चलाना, फैन चलाओगे तो क्रीम मेल्ट होती है। और ये देखो, ये डिज़ाइन देखो आप, मैं इसे पहले नाइफ को इस पर मार रहा हूँ हल्के हल्के, जिससे कि ऐसी डिज़ाइन बन जाए। बस कुछ नहीं करना है, एक सर्कल पूरा करने के बाद सेकंड सर्कल स्टार्ट करना है इस तरीके से, बहुत हल्के हाथ से करना है काम। और अब देख रहे हो मेरा लेफ्ट हैंड केक टर्न टेबल को रोटेट कर रहा है और राइट हैंड पुश कर रहा है, मतलब क्रीम को ऐसे धक्के दे रहा है जिससे कि डिज़ाइन आ जाए। और साइड में इस तरीके से पहले नाइफ को तिरछा करके कर देंगे। नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करो, सिंपल रख लो, बिल्कुल ही सिंपल रख लो, ऊपर ड्रॉप बना दो तो भी चलेगा। और इसी के ऊपर हम ये बटर स्कॉच नगेट्स या फिर बटर स्कॉच क्रंच या फिर बटर स्कॉच नगेट नट्स इससे डेकोरेट कर देंगे। तो ये हमारा बटर स्कॉच केक तैयार है। वेट लगभग अप्रॉक्स 900 ग्राम होगा, ये 2 पाउंड के आसपास केक है। और केक शीट पर रख लेंगे, केक शीट नहीं है तो नॉर्मल जो थाली होती है उस पर रख लेंगे। मैं यहाँ पे जो मेरी बेकिंग ट्रे है ना उस पर रख रहा हूँ। और ये बिल्कुल तैयार है, कुछ देर ठंडा कर लो 15-20 मिनट और फिर आप इसे कट करके सर्व करो। तो अभी मैं इसे इस पर रख के फ्रीज में रखूँगा 10-15 मिनट, फिर आपको कट करके दिखाऊंगा कि कितना सॉफ्ट केक हमारा बना है। बाकी रेसिपी यहीं तक थी, रेसिपी ख़त्म हो चुकी है। अब देखो आप, मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ, जैसे नाइफ टच कर रहा हूँ कितने आसानी से कट रहा है स्पंज, यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा स्पंज है। ये हमारा बटर स्कॉच केक। ऐसे ही आप और भी फ्लेवर के केक बना सकते हो, पाइनएप्पल क्रश का यूज़ करके या फिर पाइनएप्पल फ्रूट का यूज़ करके। आप मैंगो बना सकते हो मैंगो क्रश या मैंगो फ्रूट का यूज़ करके। स्ट्रॉबेरी बना सकते हो स्ट्रॉबेरी क्रश या स्ट्रॉबेरी का यूज़ करके। ये देखो आप, है ना कितना सुपर सॉफ्ट, एकदम रुई जैसा मुलायम कॉटन सॉफ्ट बटर स्कॉच केक है ये हमारा। और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर सकते हो, काफ़ी सारे बेकिंग टूल्स इजीली आपको मिल जाएंगे।